इर रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आ स्कूल स्टूडेंट अ कॉलेज स्टूडेंट अ वर्किंग प्रोफेशनल एवरी वन शुड स्टार्ट देर ओन यूट्यूब चैनल और एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन आई पर्सनली बिलीव कि एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना हमें से ज़्यादातर लोगों के लिए एक रिस्की करियर ऑप्शन है लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द बेस्ट साइड असल्स एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू क्रिएट अ पैसिव इनकम फॉर मोस्ट ऑफ अस और मैंने भी पिछले एक साल से इस यूट्यूब चैनल को एज ए साइड असर लिया है और अब ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है अपार्ट फ्रॉम माई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब जो वहाँ से पैसे आते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एग्जैक्टली exactly सेम चीज़ कर सकते हो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूं कि इंडिया में आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है मेरा फेवरेट इंडियन यूट्यूबर बीबी की वाइंस भुवन बाम है आपका कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सही खेल गया सो so, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि आपका यूट्यूब चैनल किस कैटेगरी का होगा और उसकी क्या टॉपिक होगी कैटेगरी से मेरा मतलब है कि आप किस टाइप की वीडियोस बनाओगे ये एजुकेशनल वीडियोस होगी जैसे ये एक एजुकेशन चैनल है आप गेमिंग वीडियोस बनाओगे आप व्लॉगिंग बनाओगे आप लाइफस्टाइल वीडियो बनाओगे या एक पॉडकास्ट चैनल होगा आपको पहले अपना एक कैटेगरी डिसाइड करना पड़ेगा और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैटेगरी कैसे पिक कर सकते हो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि ये यूट्यूब चैनल हमारा एक साइड असल है तो हम यहाँ पर फुल टाइम शायद इसको डिवोट नहीं कर सकते क्योंकि शायद आप काम करते हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाओगे तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए आपको वो ऐसा कोई टॉपिक या फील्ड चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है आप उसको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो एंड जिसके बारे में आपको लगता है आप बाकी लोगों से बात कर सकते हो तो भूल जाओ अभी YouTube चैनल सिंपली सोचो कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है किसी फ्रेंड के साथ एक वन ऑन वन कॉन्वर्जेसन में या फिर ग्रुप में डिस्कस करते हुए जैसे मेरे को पर्सनली फाइनेंस के बारे में बात करने में बहुत मज़ा आता था तभी मैंने फाइनेंशियल चैनल शुरू करा आप सोचो कि आपको जियो पॉलिटिकल के बारे में बात करने में मज़ा आता है आपको कोडिंग के बारे में बात करने में मज़ा आता है या आपके और आपके दोस्त फैशन एंड लाइफ की बातें करते हैं या आप गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हो उसकी बातें करते हो तो ऐसे सोचो वो कौन सा टॉपिक या फील्ड है जिसके बारे में आपको इन जनरल इन पर्सन किसी से बात करने में मजा आता है और इस अप्रोच या टेक्निक का फायदा यह है कि आपको उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी तो आपका रिसर्च में या फिर वीडियोज़ बनाने में थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि रिमेंबर ये आपका साइड असल है तो आपका कितना टाइम लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है सेकेंडली आपको मज़ा आएगा इन चीज़ों के बारे में बात करने में या फिर ये चीज़ें दिखाने में अपने ऑडियंस को अपने व्यूअर्स को और साइड असल में मज़ा आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरना एक पॉइंट के बाद आप गिअप कर दोगे सो so, एक बार आपने अपनी वीडियोस की कैटेगरी डिसाइड कर ली इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली वीडियो पोस्ट करोगे मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में आपको क्योंकि आपका एक साइड असल है तो आप वही पूरा पूरा दिन नहीं लगा सकते तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको स्टार्टिंग में हर हफ्ता एक वीडियो पोस्ट करनी चाहिए मिनिमम मैक्सिमम लोग के लिए वन वीडियो पर वीक ही बेस्ट है लेकिन अगर आपके पास और टाइम है आप एक से ज़्यादा भी डाल सकते हो तो हाँ आप हर हफ़्ते एक से दो वीडियोस भी पोस्ट कर सकते हो एंड ये स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी है ये याद रखना कि विद टाइम हमें ये फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं हर हफ़्ता एक वीडियो पोस्ट करता था तो घबराना नहीं है ये नहीं सोचना कि अरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स तीन तीन चार चार बार पोस्ट करते हैं एक हफ्ते में इतना टाइम नहीं है इतना टाइम कैसे लगेगा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट हम छोटे छोटे स्टेप से ही करेंगे जब बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे तो उनसे क्या उनसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से पोस्ट करेंगे सो so, अब आपने कैटेगरी डिसाइड कर लिया आपने डिसाइड करा मैं हर हफ्ता एक वीडियो डालूंगा अब पहली वीडियो डालने से पहले क्या करना है कुछ नहीं जस्ट पोस्ट योर फर्स्ट वीडियो कुछ एक टॉपिक पढ़ो पकड़ो एक वीडियो का टॉपिक पकड़ो कैमरा रखो अपने सामने एक वीडियो रिकॉर्ड करो उसके बारे में बात करो अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करो सिंपली सर्च करो हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल चैनल क्रिएट करो और वो वीडियो पोस्ट कर दो पहली वीडियो पोस्ट करने से पहले कुछ प्लानिंग नहीं करनी कुछ रिसर्च नहीं करना कि हाउ टू तो ग्रो योर यूट्यूब चैनल कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट टाइटल बेस्ट थंबनेल कुछ नहीं करना पहली वीडियो आपको सिर्फ़ एक टॉपिक पकड़ के बनानी है एंड अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर देनी है मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो प्लानिंग में रिसर्च में इन सब कामों में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं अपना चैनल क्रिएट करने से पहले अपनी वीडियो पहली वीडियो डालने से पहले कि वो कभी अपनी वीडियो डाल ही नहीं पाते हैं उनको हमेशा लगता है कि अभी हमने प्लानिंग करी नहीं अभी हमको ये चीज़ आती नहीं। हमें ऐसा नहीं करना है मैंने भी अगर आप मेरी पहली वीडियो देखोगे मैंने कुछ नहीं सोचा था, मुझे कुछ नहीं आता था, था उस टाइम बताया अपना यहाँ पे पर्दा है मेरा इसके सामने मैंने खड़े की वीडियो रिकॉर्ड करी और मैंने सिंपली पोस्ट कर दी वेलकम टू वेरी फर्स्ट माई चैनल मैंने ये नहीं सोचा कि कैसे प्लान करूंगा कैसे ग्रो करूंगा एंड एक बार आपने अपनी पहली दो तीन वीडियोस पोस्ट कर दी उसके बाद अब धीरे धीरे करके सीखना शुरू करो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं वीडियो टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें यूट्यूब एनालिटिक्स का यूज़ कैसे करें अपनी वीडियोज़ इंप्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें अलॉन्ग द वे सीखनी है ये सब हमें पहले से सीख के यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करना है मैंने भी ये सारी चीज़ें अलॉन्ग द वे सीखी और जितने भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं आप किसी से भी पूछ लो हर किसी ने अलॉन्ग द वे चीज़ें सीखी है तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि मैं पहली सारा रिसर्च करके बैठ जाऊँगा उसके बाद स्टार्ट करूँगा सो मूविंग ऑन एक बार आपने तीन चार वीडियोज़ डाल दी अब आपके थोड़े से पचास साठ सौ व्यूज़ आने लग गए अब आप धीरे धीरे करके अपना ऑडियंस का फीडबैक कैप्चर करना शुरू करो ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखना शुरू करो कि आपको उनकी कौन सी उनको आपकी कौन सी वीडियो अच्छी लगी कौन सी अच्छी नहीं लगी किस में अच्छे व्यूज आए और आपको ऑडियंस क्या कह रही है अब ये फीडबैक आप कैसे कैप्चर कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब एनालिटिक्स जब आप वीडियो बनाओगे आपको पता चलेगा कि यूट्यूब एनालिटिक्स आपको बहुत ज़्यादा डेटा और इनसाइट्स देता है आपकी वीडियोस के बारे में तो उससे आपको पता लगेगा कि कौन सी टाइप की वीडियोस चल रही है सेकेंडली अपना कमेंट सेक्शन देखो कमेंट्स में देखो कि लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का मत देखना वो सारे ओ वाह नाइस डियर आई एम प्राउड ऑफ यू ही बोलेंगे बट जो बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट्स देखो और अपने वीडियो में आप बोल भी सकते हो कि मैं किन टॉपिक से वीडियो बनाऊँ मुझे ज़रूर बताना एंड

माइक्रोफोन होने चाहिए डी कैमरा होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैंने जब अपना पहली वीडियो डाली थी अपनी पहली चार वीडियोस तक मेरे पास सिर्फ एक पंद्रह हज़ार रुपये का जो मेरा उस टाइम का स्मार्टफोन था मैं उससे रिकॉर्ड करता था मैं अभी भी अपने स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करता हूँ मेरे पास अभी भी कोई डी कैमरा नहीं है मेरे पास तब कोई माइक नहीं था कोई रिंग लाइट नहीं थी मैंने नेचुरल लाइट और कमरे की लाइट से रिकॉर्डिंग की थी तो आपको भी स्टार्टिंग के कम से कम दस वीडियोज़ या कम से कम दो तीन महीने तक इन झंझट में पढ़ना ही नहीं है आपका फोकस होना चाहिए वीडियोज़ डालने पर समझने में कि आप कैसे वीडियोस बनाओगे इक्विपमेंट के चक्कर में पढ़ोगे तो बिलीव मी आप उसमें फंस जाओगे कुछ फायदा मिलने नहीं वाला है और आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा इसके अलावा बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग वीडियो एडिट कैसे करेंगे हम लोग थंबनेल कैसे बनाएंगे वेल यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा वीडियो एडिटिंग के लिए आप पहले देख लो आपके पास अगर कोई फ्री सॉफ्टवेयर हो एप्पल में आई मूवी आता है विंडोज में मूवी मेकर आता है आपके फ़ोन में आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत सारे ऐप्स है फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप्स तो आप उनको ट्राई आउट कर सकते हो एंड थमनेल्स बनाने के लिए आप लोग सिंपली कैनवा का यूज़ करो कैनवा पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है तो स्टार्टिंग में आप सिंपली उन टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपने थम बनाओ फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप वीडियो डालते रहोगे वैसे वैसे कि हम सीखते रहेंगे कि हाउ टू बेटर एडिट योर वीडियोस हाउ टू मेक बेटर थंबनेल्स हाउ टू मेक मोर कैची थंबनेल्स हमारे मालूम है तेरे बाप को मत सिखा और अब बात करते हैं कि आपका चैनल कैसे मोनेटाइज होगा मतलब आप कैसे पैसे कमाओगे और इंडिया में आप YouTube से कितने पैसे कमा सकते हो वेल चैनल मोनेटाइज करने के लिए आपके कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एंड आपके पिछले 1 साल में 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम होना चाहिए फोर थाउजेंड आवर्स ऑफ वॉच टाइम का मतलब है कि आपकी वीडियो पिछले एक साल में टोटल चार हजार घंटा तक देखी हुई होनी चाहिए इंडिया में जो एक एवरेज ड्यूरेशन आता है वो तीन से चार मिनट का आता है तो अगर आप मैथ्स लगाओगे तो आपको साठ से अस्सी हज़ार व्यूज़ चाहिए होंगे टोटल एक साल में ये मोनेटाइजेशन करने के लिए और एक हज़ार सब्सक्राइबर भी चाहिए होंगे सो so, एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो इसके बाद आपकी वीडियोज़ पर एड्स रन होनी शुरू हो जाएगी और उस एड से आपको रेवेन्यू मिलेगा आपको पैसे मिलेंगे लेकिन ये तो हो गया सिर्फ यूट्यूब एड्स इसके अलावा काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ब्रांड कोलाब्रेशन भी लेते हैं जब वो अपने वीडियो के बीच में किसी ब्रांड की बात करते हैं किसी को प्रमोट करते हैं तो उसको ब्रांड कोलाब्रेशन कहते हैं एंड ये डायरेक्टली यूट्यूबर एंड ब्रांड के बीच की डीलिंग होती है एंड ब्रांड यूट्यूबर को पे करता है इसमें यूट्यूब का कुछ हाथ नहीं होता तो उसके थ्रू भी आप पैसे कमाओगे इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेस है जैसे कि एफिलियट मार्केटिंग आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हो बहुत सारे हैं आपको इन चक्रों में अभी नहीं पढ़ना है स्टार्टिंग में एज आपको सिर्फ स्टार्ट करना है एंड अलॉन्ग वे सीखना है एंड ट्रस्ट मी गाइज मैंने भी एग्जैक्टली exactly यही फिलोसफी फॉलो की थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि मैंने बस स्टार्ट कर दिया एंड मैं अलॉन्ग द वे सीखता गया तो आप भी बस स्टार्ट करो अलॉन्ग द वे काफी कुछ सीखोगे एंड यूट्यूब को अगर आप सीरियसली एक साइड असर लोगे तो ट्रस्ट मी आप इसमें एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम बना सकते हो एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है इंडिया का एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना थैंक यू